हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम में एक कंफ्यूजन जो कि रहती है अक्सर, वो क्या है उसको बताता हूँ। जैसे ग्रुप आप डिसाइड नहीं कर पाते, खासतौर पर डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएगा, जैसे कोई भी आप लेजर क्रिएट करते हैं, जैसे ये टैली की मेन मेन्यू है गेटवे ऑफ टैली, यहाँ से आपको लेजर बनाने के लिए क्रिएट पे जाना होता है। तो क्रिएट पे जैसे ही जाते हैं तो ये विंडो आती है। अब आपको लेजर बनाना है या स्टॉक आइटम कुछ भी बनाना है, जैसे मान लीजिए लेजर ही बनाना है, तो लेजर पे गए और यहाँ पर मान लीजिए कोई एक्सपेंस आपने डाल दिया, जैसे मान लीजिए फ्रेट चार्जेस हो गया या कुछ और लेबर चार्ज हो गया, तो LABOUR लेबर चार्ज। तो अब ये जो लेबर चार्ज होगा ये डायरेक्ट एक्सपेंस में डालें कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालें, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो एक्सपेंस तो है ये तो क्लियर है, लेकिन डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है ये कंफ्यूजन बराबर बनी रहती है। ठीक है, तो आज इसी का सोल्यूशन दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, तो जो लेबर चार्ज होगा ना ये हमारा आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। किसमें आएगा? डायरेक्ट। क्यों डायरेक्ट ही नहीं आएगा, क्यों इनडायरेक्ट में नहीं आएगा? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस अगर आप कर देते हैं तो जैसे लेबर अगर काम करता है तो वो स्वयं काम करता है और वो सीधे तौर पर काम करता है। आप देखिए कि कोई एक पर्सन है जिसको आप काम पे लगा रहे हैं तो वो दिन भर काम करता है आपके लिए। ठीक है, तो उसका खुद का मेहनत खुद लगता है वो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अब इनडायरेक्ट में क्या आएगा, इनडायरेक्ट में कैसे आप ये करेंगे, तो ऐसी स्थिति में देखिए लेबर चार्ज जो है डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए भी क्योंकि वो लेबर डायरेक्टली काम करेगा, डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके कंपनी में सपोज कीजिए कि सीपीयू बनाने का काम हो, सीपीयू असेंबल्ड होता है या कोई ऐसा काम होता है, तो वो क्या होगा, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। जो प्रोडक्ट आएगा उसको वो असेंबल करेंगे, उस प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे डायरेक्टली, उस प्रोडक्ट को वो असेंबल करेंगे, तो वो भी क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। अब मान लीजिए कोई कन्वीनियंस है जैसे सैलरी है, तो सैलरी आप काम कर रहे हो ना, अब काम सैलरी पैसा डायरेक्ट आप तो बना नहीं रहे हो, मेरी बात समझिएगा, आप डायरेक्टली पैसा छापने का तो काम नहीं कर रहे हो। आप कोई ऐसा काम करोगे जैसे अकाउंटेंट का काम हुआ या मैनेजिंग का काम हुआ, तो आप उस काम को करके उसके एवज में पैसा ले रहे हो, तो इस वजह से सैलरी को भी क्या रखेंगे हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। ठीक है, तो जब भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होगी तभी आप उसे डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, अदरवाइज आप उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में तो कतई ही नहीं रखेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो रही है, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ माइक्रोचिप बनाने का काम होता है और सीधा सारे क्या करते हैं, माइक्रोचिप ही बनता है, तो यानी वो जो कच्चा सामान आएगा, जो रॉ मटेरियल आएगा, उसको आप डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल सकते हैं, समझ रहे बात को। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डिफरेंस होता है, और इसको एकदम क्लियर याद रखिए, समझ गए। मान लीजिए कि आपकी सोप बनाने, साबुन बनाने की फैक्ट्री है, तो साबुन बनाने में ऑयल यूज होता है, इसके अलावा और क्या यूज होता है, जो भी ल्यूब्रिकेंट होता है वो यूज होता है, इसके अलावा और भी चीजें यूज होती हैं। तो जो रॉ मटेरियल होगा ना उसे आप डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं, बिल्कुल डालेंगे, उसी कैटेगरी में ही डालेंगे ना। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। ठीक है,